गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए इकोनॉमी सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, तो लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन पे शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन कंटेक्स्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ, देखिए दोस्तों ध्यान से, फिलिप्स कर्व, फिलिप्स जो कर्व है वो बोलता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी बात। फिलिप्स कर्व ने जो हमें डेफिनेशन दी उसमें कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नीचे लिखा हो वन अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट तो इनवर्सली हुआ, अगर ऊपर लिखा होता है तो डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिलिप्स ने जो कर्व दिया था उसमें बोला कि इधर को ले लो इन्फ्लेशन और ये है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो फिलिप्स ने बोला था इधर इन्फ्लेशन 5, 10, 20, 50, अनएम्प्लॉयमेंट का यहां पे आंकड़ा ले लीजिए। तो फिलिप्स ने बोला था कि हमारी जो फिलिप्स कर्व है उसमें इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब दोनों उल्टे चलेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि देखो जैसे यहां पे इन्फ्लेशन कर्व है, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं, जैसे जैसे देखो ऊपर को इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ये देखिए आपका इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन घट रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एकदम से इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन है कि इन कॉन्टेक्स्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व किस में रिलेशनशिप बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। कैसा रिलेशनशिप है दोनों में? इन्फ्लेशन। लेकिन ध्यान रखिए, फिलिप्स जो कर्व है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के लिए है। ठीक है जी, शॉर्ट रन में ही सक्सेसफुल है, इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। जो फिलिप्स ने कर दिया था शॉर्ट रन के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन लॉन्ग रन में फेल हो जाता है। तो इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ए सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत अधिक धन का पीछा करते हुए बहुत कम सामान। ठीक है जी, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा है आपकी जेबों में, बात है आपकी ये इन्फ्लेशन की। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तरह की होती है। क्वेश्चन का जो हमारा इसके हिसाब से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, इन्फ्लेशन एक होती है डिमांड पुल और एक होती है कॉस्ट पुश, दो तरह की इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में जो हमारी डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है जी, और कॉस्ट पुश में जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर जो है वो दाम बढ़ा रहा है। तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी, कॉस्ट पुश यानी उसके प्राइस बढ़ गए, प्राइस कौन बढ़ाएगा? प्रोड्यूसर, जिसने अपना फायदा देखना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ा रहे हैं, कौन? हम और आप। कैसे? हमारी जेबों में वही ले लो आप, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जो है वो कम हो गया, बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया, बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, हम लोन लेने जाएंगे तो हमें जो है वो लोन दे देगी जो बैंक है, हमें लोन दे देगा, हमें लोन मिलेगा तो हमारी जेबों में पैसा ज्यादा हो गया, जेबों में पैसा हो गया तो मार्केट में जाएंगे घूमने फिरने के लिए, तो अधिक से अधिक खर्च करेंगे, तो हमारी डिमांडें बढ़नी शुरू हो गई। तो ये होती है डिमांड पुल। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सामान है हमारे पास कम
और जो पैसा है जेबों में वो है ज्यादा। तो इसका आंसर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जेबों में पैसा ज्यादा है तो हमने बढ़ाई, डिमांड पुल। कॉस्ट पुल ये मैंने आपको समझाई। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन होती है आपकी जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों हाई होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई इन्फ्लेशन भी हाई, वो है स्टैगफ्लेशन। साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है आपकी इसमें स्लो, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ज्यादा, वो है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन, हमारी जो पिछली वीडियो थी मैंने आपको उसमें सब कुछ डिस्कस किया था, एक बार फिर भी बता दे रहा हूं जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं उनके लिए, ताकि वो भी समझ पाए। हाइपर इन्फ्लेशन होती है कि एकदम से, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, एकदम से बढ़ेगी हाइपर इन्फ्लेशन। ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1919 तक चला था, 1914 से 1919 तक। तो 1920 में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी, जो चीजों के रेट थे वहां के सामान के 32 बिलियन डॉलर एकदम से हाइक हो गए थे। तो जर्मनी में आई थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूछ लेते हैं पेपर में, वो है हाइपर इन्फ्लेशन। और ये जो क्वेश्चन है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, उसका आंसर है डिमांड पुल, यानी हमारे जेबों में पैसा ज्यादा हो गया, जो सप्लाई है वो तो उतनी है, तो वो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इन्फ्लेशन हाई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो। इन्फ्लेशन आपको पता है महंगाई, जब बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन भी मैंने आपको बताया कि जो नो लिमिट, एकदम से सारी लिमिट क्रॉस करके वो इकोनॉमिक हमारी जो प्राइस है एकदम से उनका बढ़ जाना। और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा, महंगाई थी उसके बाद रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, फिर चीजों के दाम दोबारा से बढ़ने लगना, वो है डिफ्लेशन, यानी महंगाई कम हो जाना और ज्यादा प्राइस कम हो जाना, वो है डिफ्लेशन। तो क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कपल्ड है। देखो जी, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अगर चाहते हैं कि ग्रोथ हो तो ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वह है इन्फ्लेशन, ठीक है जी। इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है, जब इन्फ्लेशन होगी आप हमारी जेबों में पैसा होगा तब खरीदने के लिए जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने के लिए वही सबसे बेस्ट मेजरमेंट है कि हमारी जो ग्रोथ है हो रही है कि नहीं, तो उन उसके लिए इन्फ्लेशन इज द बेस्ट मेथड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ कपल्ड होती है, इन्फ्लेशन के साथ। हाइपर इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी होगी, फिर तो नो लिमिट एकदम से एक्सेस, डिफ्लेशन तो उसमें कम आ गई, स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन होती है हाई और ग्रोथ होती है लो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ है, इन्फ्लेशन के साथ। अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसमें इन्फ्लेशन का होना एक नॉर्मल बात है, ज्यादा नहीं लिमिट्स में, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। देखो, लॉरेंस एक पर्सन थे, उनका नाम था मैक्स ओ लॉरेंस, ठीक है जी। मैक्स ओ लॉरेंस ने एक कर्व दिया था, इन्होंने बोला था कि इनकम का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ध्यान से सुनिएगा, इनकम का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उन्होंने एक ग्राफ दिया था। उस ग्राफ में बोला कि एक तरफ आप ले लो इनकम का परसेंटेज, ठीक है जी, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और दूसरी तरफ ले लो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये कहा था मैक्स ओ लॉरेंज ने, और मैक्स ओ लॉरेंज ने बोला था कि जो परफेक्ट इक्विलिटी होती है, देखो एक होता है आपका गिनी कॉफिशेंट, ठीक है जी, गिनी कॉफिशेंट और लॉरेंज कर्व दोनों काम आते हैं आपके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नापने के लिए, यानी पॉवर्टी, ज्यादा अमीर ज्यादा गरीब, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं, एक है लॉरेंज कर्व, एक है गिनी कॉफिशेंट।
ये जो गिनी कॉफिशेंट है इसकी वैल्यू जीरो हो और वन के बीच में होती है। पेपर में अलग से क्वेश्चन रहेगा कि गिनी कॉफिशेंट की वैल्यू कहां से कहां तक बेरी करती है, तो जीरो टू वन। जीरो का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, जीरो मींस परफेक्ट इक्वालिटी, यानी सबके पास जो है बराबर पैसा है, एवरी हाउस होल्ड हैव सेम इनकम। जीरो का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, सबके पास बराबर पैसा है। वन है आपका परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि सारा का सारा जो पैसा है सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास है, इंडिविजुअल के पास, सिंगल हाउस होल्ड एंटायर इनकम, उसकी वैल्यू वन, और जहां परफेक्ट इक्वालिटी एवरी हाउस होल्ड सेम इनकम, उसकी वैल्यू रहती है जीरो। तो जो मैक्स लॉरेंज है उसने भी हमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दिया था, तो लॉरेंस कर्व बोलता है कि ये जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 45 डिग्री रहना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जैसे ही इनकम में इनइक्वलिटी आएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अप्स एंड डाउन होंगे, तो लॉरेंस कर्व अप एंड डाउन होता है। ठीक है जी बात। ये एरिया मान लो है ए, ये एरिया है बी, तो वैसे तो परफेक्ट इक्वलिटी होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो कर्व्ड लाइन है ये तब आएगी जब इनइक्वलिटी आएगी हमारी मार्केट में, और ग्राफ किस किसके बीच में है, परसेंटेज इनकम और परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन के बीच में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व, तो आंसर है इन्फ्लेशन नो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यस, एम्प्लॉयमेंट नो, डिफ्लेशन नो। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखना है तो हमें बताता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व कितना बोला कि परफेक्ट इक्वलिटी है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और अगर डाउनवर्ड आया तो ये बीच में जो है इसकी जो रेशियो है वही गिनी कॉफिशियंट होता है। ठीक है जी। तो गिनी कॉफिशियंट और लॉरेंस कर्व दोनों आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो लॉरेंस कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is an example of substitute good? कौन सा स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है? Substitute good. Substitute good होती है जो एक जो है वो दूसरे को substitute कर पाए। जैसे milk and coffee, इन दोनों की अपनी अपनी value है। दूध दूध है, coffee coffee है। Pen and paper, paper है उसी पे ही pen से लिखेंगे। Pen की अपनी value, paper की अपनी। Ink and pen, pen है उसमें ink है, दोनों अलग अलग हैं। Tea and coffee, अगर चाय अवेलेबल है तो चाय पी लो, कॉफी है तो कॉफी पी लो, दो में से एक जो है काम चल जाएगा। लेकिन अगर पेन है इंक नहीं है तो भी लिखना मुश्किल है, पेन है पेपर नहीं है फिर भी मुश्किल है, मिल्क कॉफी तब बनेगी अगर मिल्क होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट यानी कि जो एक जो है दूसरे को रिप्लेस कर पाए, तो टी एंड कॉफी एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following best describes scarcity in economics? अर्थशास्त्र में कमी का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी करते हैं पीडीसी में। पीडीसी यानी पी मीन्स प्रोडक्शन, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी मीन्स कंजम्पशन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारी प्रोडक्शन है, पहले तो प्रोडक्शन में लैंड स्कार्स है, इंडिया में लैंड की कमी है, लेबर बहुत ज्यादा है, तो पहले तो प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है, इतना बड़ा देश है सबके लिए। दूसरी बात आती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लो किसी तरह से प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है जी, हमने प्रोडक्शन कर ली, हाई यील्डिंग वैरायटी और अच्छा प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल आएगी। हमारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े गोदाम है, वहां पे रखा है, चूहों ने खा लिया, या फिर मानसून आया, बारिश हुई, बरसात हुई, वहां पे अनाज जो है वो बर्बाद हो गया वहां पे। तो ये भी मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। प्रोडक्शन में वैसे तो कमियां हैं कि लैंड स्कार से फिर भी माना कि प्रोडक्शन हो गया। दूसरा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल है, रास्ते में कुछ ये वो सारी चीजें, चूहों ने, ये जो मैंने आपको बताया सब कुछ, फिर भी मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया। तीसरा है कंजम्पशन। कंजम्पशन एक और बैड इफेक्ट है। हाँ जी, यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है हमने वीट, जो खाने वाले हैं बोलते हैं नहीं हम तो खाएंगे सिर्फ चावल ही, गेहूं पचता नहीं है। हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी मक्की यानी मक्का, और यहाँ पे मेज, यहाँ कहते हैं कि नहीं हम तो गेहूं ही खाएंगे, चपाती खानी हम नहीं खा सकते मक्की की रोटी। तो इकोनॉमिक्स में हर जगह प्रॉब्लम है।
इकोनॉमिक्स को कहते हैं साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है जी, साइंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्कार्सिटी, लो डिमांड फॉर गुड, डिमांड का तो देखो कोई लेना देना नहीं है, हाई डिमांड लेस सप्लाई, नहीं वो भी स्कार्सिटी नहीं है, लो डिमांड एज पीपल डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम इट, नो नो ये भी आंसर नहीं है, गुड्स अवेलेबल आर नॉट फ्री, उपलब्ध वस्तुएं मुफ्त में नहीं है। स्कार्सिटी का बेस्ट प्रिंसिपल है कि ये जो हमें सब कुछ नेचर से मिल रहा है ना, इतना ध्यान रखना कि वो मुफ्त नहीं है। तो स्कार्सिटी का सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब करा इकोनॉमिक्स में, गुड्स अवेलेबल आर नॉट फ्री, उपलब्ध वस्तुएं मुफ्त नहीं है, आपको उनका प्राइस देना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिफाइंस अ मार्केट प्लेस इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में बाजार स्थान को क्या परिभाषित करता है, बाजार क्या है, प्लेस वेयर प्रॉफिट आर मेड, बाजार वो जहां प्रॉफिट होता है, नहीं नुकसान भी हो सकता है, गलत, प्लेस वेयर गुड्स आर मेड, नहीं वो तो इंडस्ट्री जहां पे सब कुछ होगा मैन्युफैक्चरिंग, प्लेस वेयर पीपल मीट, ना पीपल तो कहीं भी शादी में भी मिल सकते हैं, वो इकोनॉमी की मार्केट थोड़ी भी, प्लेस वेयर बायर्स मीट सेलर, जगह जहां खरीदार और विक्रेता आपस में मिलते हैं, वही है आपका मार्केट प्लेस। अब तो ई मार्केट भी आ गया आपके पास, ठीक है जी, ई मार्केट का ऑनलाइन जाओ और अपना सामान खरीदो आ जाओ, तो जरूरी नहीं है कि बायर्स और सेलर्स का मिलना जरूरी, लेकिन ऑनलाइन भी मिलना ही हुआ, ठीक है जी, फिर प्लेस वेयर बायर्स मीट सेलर, दैट इज अ मार्केट प्लेस इन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पब्लिक सेक्टर इन एन इकोनॉमी मीन, मैंने आपको पहले भी कहा है पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है जी, पब्लिक यानी कि जनता, हम और आप, तो गवर्नमेंट, तो व्हाट डज पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी मीन्स, विच इज ऑन्ड बाय कम्युनिटी, नहीं जी, दैट विच इज ऑन्ड बाय पब्लिक, नो, दैट विच इज ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, यस, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अगर आपको पता है पब्लिक सेक्टर क्या है, टर्मिनोलॉजी आपको आती है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन सी नहीं है, इनकम मेथड, इससे भी हमारी नेशनल इनकम मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी करते हैं, आउटपुट मेथड, इससे भी करते हैं, किससे नहीं करते हैं, वैल्यू मेथड से, तो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड, वैल्यू मेथड नहीं है इनकम को कैलकुलेट करने का, ये जो तीनों हैं इनसे इनकम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मेथड से नहीं करते, आउटपुट मेथड का एक और नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, आउटपुट मेथड का एक और नाम है प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर, हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, तो देखिए हाई कोर्ट के लिए आपके जो मैं आपको लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, हाई कोर्ट की मेरे पिछले जो टेस्ट सीरीज है BYQ है उन सबको देख के मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाता हूं, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी था कि हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर, इकोनॉमिक सर्वे कौन लाता है, ध्यान से सुनना, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है इकोनॉमिक सर्वे, और एक होता है बजट, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड है ही नहीं, वहां पे जो वर्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा वर्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आर्टिकल रहता है 112, बजट का आर्टिकल 112, बजट आपका आता है 1 फरवरी को, ठीक है जी, बजट की फिक्स डेट है 1 फरवरी, बजट से एक दिन पहले ही आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कब, 31 जनवरी को, अगर 31 जनवरी को संडे तो आपका 30 जनवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को किसने आना है, बजट को, तो बजट से एक दिन पहले आपका आता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है जी, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछला साल है उसका लेखा जोखा होता है कि कहां से हमारा पैसा रेवेन्यू जनरेट हुआ और कहां पे हमने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है जी, पिछले साल का लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे में, और बजट में आता है अगले साल का कि पैसा कहां से आएगा और कहां हम उसको खर्च करेंगे,
तो इकोनॉमिक सर्वे आता है एक दिन पहले, इकोनॉमिक सर्वे आपका लाता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, नो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी रिपोर्ट हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये आपका हर साल इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आता है। इकोनॉमिक सर्वे में आपका पिछले साल का लेखा जोखा होता है। और जो इकोनॉमिक अफेयर है हमारा, जो डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे लाता है उसमें रोल करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपना रोल प्ले करते हैं। आज के करंट के लिए भी बता रहा हूं, आज की डेट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है जी, बात बी अनंता नागेश्वरन आजकल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं, उन्हीं का ही पूरा योगदान रहता है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आजकल कौन है? वी अनंता नागेश्वरन। तो इकोनॉमिक सर्वे लाता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does free market in an economy imply? मुक्त बाजार का क्या अर्थ है? मुक्त बाजार पहले भी क्वेश्चन आया था, लेकिन जिसकी लैंग्वेज थी थोड़ी डिफरेंट थी। तो फ्री मार्केट का मतलब क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड एंड मैक्सिमम रेगुलेशन। नो, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन तक ठीक है, मैक्सिमम रेगुलेशन ये गलत हो गया। मैक्सिमम गवर्नमेंट ये तो सीधा ही गलत हो गया। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड एंड मिनिमम रेगुलेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्री मार्केट वो है जहां पे गवर्नमेंट जो है उसका कम से कम रोल हो, कम से कम, और मिनिमम रेगुलेशन हो, रेगुलेट भी कम करे। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मैक्सिमम गवर्नमेंट ये भी सीधा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो हमारी फ्री मार्केट है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है और उसकी पॉलिसीज रेगुलेशंस भी कम चलते हैं। व्यापार में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और न्यूनतम नियम उनके। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी सिग्निफाई। जीडीपी मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में हमारे देश के अंदर, ध्यान से, हमारे देश के अंदर कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर देश के अंदर, वो है जीडीपी। और अगर बाहर का भी देखना है, हमारे जो नेशनल भाई बंधु बाहर जो रहते हैं, लोकेशन मैटर नहीं करेगी, उनका भी अगर योगदान उसमें काउंट कर देना है तो जीएनपी होता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज डिक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी सिग्निफाई। जीडीपी में आपके सेक्टर मैंने आपको बताया था, सेक्टर है हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल पे डिपेंड है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है रॉ मटेरियल के लिए, जो प्राइमरी सेक्टर है और डायरेक्ट है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पे। और टर्शियरी सेक्टर है, इसका नाम है सर्विस सेक्टर, यहाँ जहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज आती है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग भी सर्विस सेक्टर में आता है। तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो कम हो गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अब देश जो है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से, और इंडस्ट्री से भी आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से कम है, टर्शियरी सेक्टर से ज्यादा है, वही जो है जीडीपी जो है डेवलप हो रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन कम होता जाए, इसका मतलब कंट्री ज्यादा डेवलप हो रही है। क्लियर है जी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। देखिए जी, एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले के जो लेक्चर हैं, जितने भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं, आप उनको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट उनमें पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो कई बार ये जो मैं आपको, जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं एस्पायरेंट्स, उनके लिए बता लेता हूं, जो हमारा रेगुलरली चैनल देखते हैं, रेगुलरली इसको पढ़ते हैं, उनके लिए क्वेश्चन करना ज्यादा इजिली हो जाएगा, क्योंकि उनको पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया होगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। कौन सा नहीं है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी करती है, मैक्रो ग्रुप की स्टडी करती है। मैक्रो में आते हैं आपका जीडीपी, जीएनपी,
एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारा मैक्रो में, जिसमें बहुत सारी पूरा ग्रुप की स्टडी करनी है, और माइक्रो में इंडिविजुअल की क्वेश्चन है, इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की मांग कर रहा है कोई, तो माइक्रो है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की आपूर्ति हो रही है, एक की, माइक्रो है। प्राइस राइज ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है, माइक्रो है। इंप्लॉयमेंट जनरेटेड इन ए ईयर इन ए कंट्री, ध्यान रखना इंप्लॉयमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है जी। इंप्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इंप्लॉयमेंट जो है, मान लो अभी हाई कोर्ट का एग्जाम है, मान लो इसमें 100 लोग उनकी नौकरी लग गई, ठीक है जी, पर जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो हमारे यहां बेरोजगारी का रेट है वो काफी ज्यादा है, तो बेरोजगारी ज्यादा है, उसमें से अगर 50 या 100 लोगों को रोजगार मिल भी गया तो इसका मतलब क्या, वो बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं, बेरोजगारी फिर भी है। तो एक देश में, एक वर्ष में उत्पन्न रोजगार, मान लो एक इस साल में दे दिया इन्होंने 1,00,000 को, अगले साल कुछ नहीं दिया, उससे पिछले साल भी कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं हुई। इट इज अ ग्रुप स्टडी, आपको बहुत सारे इंडिविजुअल का देखना पड़ेगा। तो जो इंप्लॉयमेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं, मैक्रो में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड। देखो कह रहा है कि आय में वृद्धि, किस प्रकार की वस्तु की मांग में कमी आती है, किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई, पहले मिलते थे 10,000, फिर अब हो गए 50,000, या मिलते थे 50,000, अब हो गए 1,00,000, मिलते थे 1,00,000, अब हो गए 10,00,000, क्या होगा? 10,000 वाला जो है वो बाहर जो हमारी रेड़ियां ठेला लगता है वहां पे अपने के लिए पैंट सूट खाना पीना सब वहां से ले लेगा, जैसे इनकम बढ़ी ब्रांड की तरफ जाएगा, अच्छे घर में रहने लगेगा, फ्लैट लेगा, ऐसे जो था छोटा घर ले लिया था रेंट के लिए, लेकिन इनकम बढ़ी तो खाने में बदलाव आया कि नहीं, अब ब्रांडेड खाना है, ब्रांडेड ही पहनना है, हर चीज वैसे, ऐसे थोड़ा सस्ता था वो भी ले लेते थे। तो क्वेश्चन है कि अगर इंक्रीज हुई कंज्यूमर की इनकम और तो डिक्रीज हो गई डिमांड, तो डिमांड उसकी कम हो गई, इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है, उसको कहते हैं इनफीरियर गुड। बताया था मैंने आपको पहले भी, एक है इनफीरियर गुड और एक होती है आपकी गिफन गुड्स, ठीक है जी। इनफीरियर गुड्स वो होती हैं, जैसे कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड उनके लिए कम हो जाएगी, अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, जैसे 100 रुपए की टी शर्ट, 150 रुपए की, 200 रुपए की टी शर्ट, अब आप ब्रांड वाले पहने के 1,000 रुपए की, 2,000 की, लिवाइस की, एडिडास की। तो इनफीरियर गुड्स वो होती हैं, इनकम बढ़ी तो उनके लिए डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जो गिफन गुड्स हैं, इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी डिमांड उनके लिए और बढ़ती है। गिफन गुड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइस वीट सब कुछ उसमें आता है। तो अगर इन कंज्यूमर की इनकम बढ़ी और डिमांड हो गई कम, तो उसको कहते हैं इनफीरियर गुड। सब्स्टिट्यूट गुड हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन किया था, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड वो होती है इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, वो नॉर्मल गुड है, और अगर इनकम बढ़ती है डिमांड कम होती होती है इनफीरियर गुड। और ध्यान रखिएगा गिफन गुड्स स्ट्रांगली इनफीरियर होती हैं, राइस और वीट, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड इनके लिए और ज्यादा बढ़ती है। क्लियर है जी बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज नीति आयोग। नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया? इसने किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना था आपका? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पे आ गया 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने कब? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का काम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद, बिल्कुल सही, नहीं है जो फंक्शन वो देखना है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद, नीति आयोग दोनों में जो है बैलेंस क्रिएट करता है, स्टेट में भी सेंटर में भी। एलोकेट सेंट्रल सेक्टर फंड्स, नॉट द फंक्शन, ये नीति आयोग का काम नहीं है। प्रमोट इनोवेशन, ये भी नीति आयोग का काम है। तो नीति आयोग का काम कौन सा नहीं है?
केंद्रीय क्षेत्र के धन का आवंटन प्लानिंग कमीशन यह काम करता था, तभी तो प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। तो केंद्रीय क्षेत्र के धन का आवंटन नीति आयोग नहीं करता है, ठीक है जी बात। नीति आयोग के हम चेयरमैन कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, हमेशा होते हैं चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन आजकल कौन है, सुमन बेरी, और एक होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, वो आजकल हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। कौन है जी, परमेश्वरन अय्यर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग का काम नहीं है सेंट्रल सेक्टर के फंड्स को एलोकेट करना, क्लियर है जी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर फॉर ए कंपनी टू बी कंसीडर्ड एज ए मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME का आपने नाम सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपके लिए एक चार्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है जी। देखो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है वो रहती है 1 करोड़ की, स्मॉल में रहती है 10 करोड़ की, मीडियम में रहती है 50 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो टर्नओवर अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का, इसमें 50 करोड़ तक का, और मीडियम में 250 करोड़ तक का। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर फॉर ए कंपनी टू बी कंसीडर्ड एज मीडियम स्केल, तो इसके लिए 250 करोड़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको किसी भी पेपर में माइक्रो का पूछ लेंगे, स्मॉल का पूछ लेंगे, मीडियम का पूछ लेंगे, कॉपी पेन लेके अपने पास ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इज 250 करोड़, मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनका जो टर्नओवर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रिंटिंग प्रेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है जी। आरबीआई एज यू नो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1935 में, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। आज की डेट में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है जी, शक्तिकांत दास आरबीआई के जो गवर्नर है। क्वेश्चन है, अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी प्रिंटिंग होती है 4 जगहों पे, ध्यान रखना 4 जगहों पे, एक है आपका नासिक, नासिक पड़ा आपका महाराष्ट्र में, एक है देवास, देवास हुआ एमपी में, एक है सालबोनी, ये हुआ आपका वेस्ट बंगाल में, और एक है आपका मैसूर जो आपका हुआ कर्नाटका में। इन 4 जगहों पे ही आरबीआई की प्रिंटिंग होती है, इनके नोट छपते हैं। तो कहां नहीं छपते, मुंबई में। और आपको मैंने पहले बताया था 1 रुपए का नोट जो है उसको छोड़, 1 रुपए का नोट है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, और उस पर सिग्नेचर होते हैं जो हमारा सेक्रेटरी होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का उनका, बाकी सारे नोट आरबीआई छापता है। और जितने भी जो हमारे सिक्के होते हैं यानी मिंटिंग, 1 रुपए का सिक्का, 5 का 10 का 20 का, जितने भी सिक्के हैं उनकी मिंटिंग, वो भी जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आरबीआई सारे के सारे नोट छापता है, 1 रुपए का छापता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, साइन होते हैं सेक्रेटरी जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी सब पे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के। तो 4 जगह पे छपते हैं, मुंबई पे नहीं छपते, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट बेसिक रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग सिस्टम वॉज स्ट्रेस्ड। भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस बजट में भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार प्रणाली में बुनियादी सुधार पर जोर दिया गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है 1983, याद कर लीजिए 1983 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार प्रणाली में बुनियादी सुधार पर जोर दिया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कुसुम स्कीम। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जी कुसुम, व्हाट इज कुसुम, कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है जी, कुसुम की महाअभियान, पेपर में फुल फॉर्म ही आ जाएगी कुसुम की। कुसुम इज किसान ऊर्जा, देखो किसान ऊर्जा सुरक्षा, उनको ऊर्जा की सुरक्षा देनी है,
एवं उत्थान महाभियान, और किसान का उत्थान भी करना, उनको ऊपर भी उठाना है। तो क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कुसुम का? किसान ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षा देनी है ऊर्जा की। ये स्कीम आपकी आई थी 2019 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये स्कीम बोलती है कि किसान जो है उनके खेतों में पंप लगे हैं, कैरोसिन से चलते हैं और डीजल से चलते हैं। तो बोला कि इनकी जो डिपेंडेंस है वो कैरोसिन पे और डीजल पे करनी है खत्म, और किस पे करना है, इनको जोर जो देना है वो देना है सोलर एनर्जी पे। इनका जो पंप का कनेक्शन है जो इनके चलता है वहां पे ग्रीन हाउस में खेतों में, सोलर एनर्जी पे रिलाय करना है, कैरोसिन और डीजल पे नहीं। एनवायरमेंट के लिए भी हो गया एक अच्छा काम, किसानों के लिए भी हो गया, उनको जाना पड़ता था सोलर जो पंप है वो लगाओ और बढ़िया हो जाएगा। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कुसुम स्कीम? टू हार्नेस सोलर एनर्जी, करेक्ट। टू इंप्रूव ऑन फार्म प्रोडक्टिविटी, नहीं। टू इंप्रूव फार्म मैकेनाइजेशन, टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस, नो। करेक्ट आंसर इज टू हार्नेस सोलर एनर्जी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जो 2019 में आई थी, कैरोसिन और डीजल पे डिपेंडेंस कम करके सोलर पे ज्यादा रिलाय करना है। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत? देखो जी, व्हाट इज अमृत? अमृत है अमृत, अटल, अच्छा फुल फॉर्म ही पूछिए, अटल मिशन फॉर रीबैम्पिंग, नो। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो अमृत है इसने जो है नया नाम है स्कीम का, पहले स्कीम थी JNNURM, नीली बसें चलती है ना हिमाचल प्रदेश में लंबी लंबी, उनमें JNNURM लिखा होता है। JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JNNURM? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो अमृत जो है वो नया नाम है, पुराना नाम क्या था? JNNURM। ये आई थी 2005 में। URM का नया नाम है आपका अमृत, और ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2015 में, ठीक है जी। तो JNNURM न्यू नेम इज अमृत, ये आई थी 2005 में और अब 2015 में नाम रख दिया अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहां पे मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको वीडियो देखते देखते जो वही लर्न हो जाए, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? ठीक है जी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है आपकी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको समझाया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड ऑल। देखो रेपो रेट होता है जब हम RBI जो है वो बैंकों को लोन देता है, रिवर्स रेपो रेट होता है जब RBI बैंकों से लोन लेता है, ठीक है जी। ये हो गया देना और ये हो गया RBI का लेना, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और ध्यान रखना रेपो रेट जो है इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ध्यान से, लॉन्ग टर्म के लिए क्या था? बैंक रेट, आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियो, ठीक है जी। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो आई थी 1998 में। किसके कहने पे? नरसिम्हन कमेटी थी एक, ठीक है जी, नरसिम्हन कमेटी, उस कमेटी की रेकोमेंडेशन पर ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई थी, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी RBI की तरलता समायोजन सुविधा, इसमें लिक्विडिटी यानी कि पैसा। देखो जी रेपो रेट है, रेपो रेट जो है बढ़ा दिया आरबीआई ने, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट आरबीआई ज्यादा ले रहा है, तो बैंक जो है वो पैसा इससे कम लेंगे, क्योंकि बैंक क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड देंगे, तो बैंकों के पास पैसा कम हो गया। हम बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक बोलेगा पैसा नहीं है, बैंकों के पास क्यों नहीं है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उन्होंने भी पैसा नहीं लिया। हम बैंक के पास गए तो पैसा नहीं है,
फिर हमें पैसा नहीं मिला। जब पैसा हमें नहीं मिला तो हमारी जो पॉकेट है उनमें पैसा कम हो गया। पैसा कम है, घूमने फिरने कहीं जाएंगे कहां से जाएंगे जब जेबों में पैसा ही नहीं है। जेबों में पैसा नहीं है तो इन्फ्लेशन जैसे कंट्रोल हो गई, तो होती है लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो गया, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ता है या घटता है डिपेंड करता है उस पे। रेपो रेट अगर बढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, रेपो रेट मान लो बढ़ गया, ठीक है जी, रेपो रेट बढ़ा तो बैंक जो आरबीआई है उसने बैंकों को पैसा देना है, तो बैंक अब पैसा कम लेंगे। रेपो रेट बढ़ गया, बैंकों ने पैसा कम लिया, तो अगर हम बैंकों के पास जाएंगे कि पैसा दे दो तो बैंक बोलेगा नहीं है हमारे पास पैसा कम, हमारी जो फिर डिमांड है पैसा कम है, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, कम। जब डिमांड हमारी कम है तो जो इन्फ्लेशन है महंगाई वो कम हो गई, ठीक है। डिमांड कम है, पैसा ही नहीं है जेबों में, इन्फ्लेशन महंगाई है ना, तो जब पैसा ही नहीं है जेबों में तो कहां से महंगाई बढ़ेगी। अपोजिट ले लो आप इससे, ठीक है जी। अपोजिट में मान लो रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट घट गया, रेपो रेट घटा तो बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा आएगा क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, लोगों के पास भी ज्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा तो घूमने फिरने जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट करना है, लिक्विडिटी यानी कि पैसा। तो अगर रेपो रेट आपका बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ता है तो जो लिक्विडिटी है वो होती है कम, और अगर रेपो रेट घटता है तो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती है। क्लियर है जी बात। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अब तो सीधा आंसर हो। और देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डाला गया है कि आपको थोड़ा सा घुमा दें। ऑप्शन ए ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड बी, नन ऑफ द। पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो पहले क्लैरिकल में आता था वो इसका हमारा जो पुलिस का पेपर था उसमें आने लगा है, या फिर आपका कंडक्टर के पेपर में, जो हमारा थोड़ा एलाइड का लेवल था उन्होंने एचएस वाला कर दिया, एचएस वाला है जो यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन डाला गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है जी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Who protect the investors in stock market? वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको प्रोटेक्ट करता है आपका सेबी। What is सेबी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज सेबी। सेबी आपका एस्टाब्लिश हुआ था 1988 में, और सेबी को आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। ध्यान रखिएगा, सेबी बना 1988 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस को मिला 92 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब है पॉलिटिकल, जो हमारी पॉलिटी है उसमें बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे उसमें नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो बनती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। पार्लियामेंट में बिल आता है, कानून आता है, फिर वो अधिनियम एक्ट बनता है, वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो सेबी है हमारी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब मिला स्टेटस 92 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर जेआरडी टाटा रिसीव्ड पायलट लाइसेंस। फैक्चुअल है 1929 में उनको पायलट का लाइसेंस बना है। इनको फादर ऑफ एविएशन भी कहते हैं, जेआरडी टाटा को, ठीक है, फादर ऑफ एविएशन। अगला क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, यही वाली है। इग्नू का नाम सुना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इग्नू पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं इसमें। इग्नू जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई थी 1985 में, उस एक्ट में ही इग्नू यूनिवर्सिटी बनी है। इसके जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट है पूरे वर्ल्ड में इग्नू के, और इग्नू यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। 1985 पे एक्ट में बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नू। तो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द नेशनल हाईवे कनेक्ट लेह टू कश्मीर थ्रू जोजीला पास। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा जोजीला पास के माध्यम से लेह को कश्मीर से जोड़ता है। जोजीला, देखो जी, पास है ना, पास जिसको आप दर्रा कहते हो, दर्रा पास, ला,
ये सारे एक ही बात है, लाभ भी वही है, दर्रा पास एक ही चीज है। तो क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे कनेक्टर लेह को कश्मीर से, वो है, अब नेशनल हाईवे की न्यू नंबरिंग आई है, तो न्यू नंबरिंग है नेशनल हाईवे 1A, ये कनेक्ट करता है आपका लेह को कश्मीर से। और जो जोजीला पास है ना, जोजीला पास, इसको कहते हैं एंट्रांस टू लद्दाख, ठीक है जी। अगर आपने लद्दाख के लिए जाना है तो उसके लिए एंट्रांस किसको कहते हैं, जोजीला पास को। और यहाँ लद्दाख जाने के लिए एक और रास्ता है, मनाली होकर जो रोहतांग पास है ना हमारा, वो भी आपको उससे जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे लेह टू कश्मीर, करेक्ट आंसर इज 1A। हिमाचल में मनाली से जब आप रोहतांग होकर जाते हैं, रोहतांग पास भी कनेक्ट करता है, और इसको कहते हैं जोजीला पास को एंट्रांस टू लद्दाख, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपको HT हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और भी एग्जाम है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं हमारे एस्पायरेंट्स। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन को आप, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, कल हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड डे।